नेहरू जी के साथ तो जेल वेल में रहे, तो उनके बारे में बताते थे क्या कि वही हमको पहली बार कोई आदमी हमारे बैठकी में मिला है जिनके दादाजी ने गांधी जी और नेहरू जी से बात की है? बात क्या की है वो, तो खैर वो उनके साथ भी रहे, और मतलब हमारी दादी बताया करती थी कि एक दिन इन्हें भेजा गेहूं पिसाने के लिए, तो वो जो पहले टीन को, तेल के टीन कनस्तर को डब्बा बना देते थे ना ढक्कन लगा के, तो उसमें हमने सोच पहले उसमें, मतलब आप नहीं बनाते हैं क्या? मुझे नहीं पता हाँ यार, मतलब क्योंकि हम लोग तो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं गांव आम वाले घर में। गांव में होता हाँ वो होगा ढक्कन लगा के वो कुंडा ढक्कन लगा लगा के के, तो उनको वनस्पति घी भेजा के वो जो कि डब्बे हाँ होते थे। जाओ कि आटा ख़त्म हो गया है चक्की से पिसवा लाओ। तो ये गए वहाँ पे, तो वहाँ पे तो किसी ने नारा लगाया कि गांधी जी ने बोला है जेल भरो, ये दिल्ली की बात है। हाँ दिल्ली की बात है, तो ये उठाए अपना कनस्तर फेंक दिए वहीं पे और वहीं से चले गए जेल। और अपन दादी कहती थी, हम बड़ी मम्मी कहते थे उनको, तो कहती थी कि हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई आटा आएगा तो रोटी बनेगी, और तो ये तो पेट भरो हो नहीं पाया, जेल भरो करने चले जेल गए। भरो करें, जेल भरो, तो इस तरह के व्यक्ति थे वो, तो लिटरेरी भी थे और गुस्सैल भी थे, और मतलब कि वो, पर ये विडम्बना, ये हमने सब ट्रेजेडीज देखी हैं, वो इंदिरा गांधी ने उनको ताम्रपत्र दिया बाद में रिकॉग्निशन में कि जी इन्होंने स्वतंत्रता जी में आंदोलन में भूमिका निभाई है और ये सब किया है, और पर जब फिर वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, सारी ज़िंदगी वो खादी पहनते रहे, पगड़ी तक खादी की बांधते थे, तो हमारी मदर लेके आती थी ये जो जनपथ पे जो वो कनॉट प्लेस में जो खादी ग्राम उद्योग है वहाँ से उनके लिए वो कपड़े लेके आती थी खादी के सारे, तो वो पहनते थे, तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो वो बिल्कुल एकदम से वो हो गए कि ये क्या किया, उस कहते थे इंदिरा गांधी जी कहते थे बीबी, ए बीबी ने गलत कर, बीबी ने गलत कर, उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए खादी के, हमने वो ट्रेजेडी देखी उनकी, तो थोड़ा सा हमारा जो फेथ सिस्टम था वो हिल गया। I'm so sorry to hear this. हाँ तो मतलब वो ये एक एक पूरा जीवन जिस आदमी ने एक चीज़ में लगा दिया, जिस विश्वास पे, हाँ जिस गांधीवादी विश्वास पे वैल्यूज लगा पे, दिया गांधीवादी वैल्यूज से, जिसके वो लिए वो लोग लड़े इसके लिए लड़े, कि देश आजाद हाँ हो, वो लड़े, और स्वराज वो हो। हाँ वो फिर वो मतलब मैंने सारी ये चीज़ें देखी कि 750 की पेंशन के लिए जो है लाइनों में जब लगना पड़ता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जी, और गुस्सैल ये एक नंबर के थे, वो ज्ञानी जैल सिंह ने ज़बरदस्ती इनके घर में फ़ोन लगवाया कि ज्ञानी जी आपसे बात करनी होती है तो कैसे करेंगे, तो तो वो दादाजी फ्री, भी ज्ञानी थे, उन्होंने वो हाँ धार्मिक अध्ययन किया था। हाँ तो तो फ्री ज्ञानी अमर सिंह जी चाकर अमर सिंह जी चाकर जी, हाँ फोन लगवाया। फ़ोन फ्री का लगा था वो, जब तक वो जीवित रहे तो वो फ़ोन जो है वो लगा रहा। ज्ञानी जैल सिंह जी से खूब बात होती थी। हाँ तो वो तो प्रताप सिंह कह रहा हूँ, और वो उसमें थे वो मतलब